नमस्कार दोस्तों, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आप अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबा NH 15 है तो सबसे छोटा NH कौन सा है? ऑप्शन ए 79A, ऑप्शन बी 71B, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 11A। जल्दी से बताइए राजस्थान का सबसे छोटा NH कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 71B, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जिसका नया नाम NH 919 हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा 14 दिसंबर 2012 को राजस्थान के किस जिले से विधिवत शुरुआत हुई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा किस जिले से विधिवत शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उदयपुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, NH 3 के मार्ग में आने वाले जिले हैं? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी धौलपुर भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी करौली भरतपुर। जल्दी से बताइए NH 3 के मार्ग में आने वाले जिले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए धौलपुर, और NH 3 का जो नया नाम है वो क्या है? NH 44 रखा गया है। चौथा क्वेश्चन, NH 8 किस जिले से होकर नहीं जाता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से बताइए NH 8 किस जिले से होकर नहीं जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा से NH 8 नहीं जाता है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के परिवहन से संबंधित 3 वीडियो हैं, उनको देख लेना, और आई बटन पर उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए SH 10, ऑप्शन बी SH 1, ऑप्शन सी SH 9B, ऑप्शन डी SH 100। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी SH 1। छठा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2012। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 2005, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा 1952 में किस जिले से शुरू हुई? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी टोंक। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा किस जिले से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी टोंक। आठवां क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला बाड़मेर है तो न्यूनतम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी राजसमंद। जल्दी से बता दीजिएगा कि राजस्थान में न्यूनतम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? धौलपुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नवा क्वेश्चन, राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला गंगानगर है तो न्यूनतम गांव वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी राजसमंद। जल्दी से बताइएगा उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरोही। दसवां क्वेश्चन, पूर्णतया राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH 15, ऑप्शन बी NH 112,
ऑप्शन सी NH 114, ऑप्शन डी 89। जल्दी से बताइए कि पूर्णतया राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा दोस्तों? 112, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और 112 जो है इसका नया नाम NH 25 है। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राजमार्ग पर अवस्थित हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पहले तो ये पता होना चाहिए, कहाँ पे है? भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन ए NH 8 पर है ये, ऑप्शन बी NH 79 पर है, ऑप्शन सी NH 89 पर है, ऑप्शन डी NH 11 पर है। तो जल्दी से बताइए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राजमार्ग पर है, किस राजमार्ग पे है दोस्तों? NH 11 पर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां, NH 8 राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है? NH 8 राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। जल्दी से बताइए कि NH 8 राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए 6 जिलों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम एक्सप्रेसवे हाईवे तथा चलता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल किस NH पर है? ये ट्रॉमा होना चाहिए, किस NH पर है? तो ऑप्शन ए NH 8, ऑप्शन बी NH 15, ऑप्शन सी NH 11, ऑप्शन डी NH 919। जल्दी से बताइए, देश का प्रथम एक्सप्रेसवे हाईवे तथा चलता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल किस NH पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? ए NH 8। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 2 जून 2015 को, ऑप्शन बी 2 जून 2016 को, ऑप्शन सी 2 जून 2017 को, ऑप्शन डी 25 अगस्त 2016 को। जल्दी से बताइए, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? 2 जून 2015 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है और वह राज्य का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH 15, ऑप्शन बी NH 8, ऑप्शन सी NH 11, ऑप्शन डी NH 27। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH 8। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित हैं? तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस राजमार्ग पर हैं? ऑप्शन ए NH 15, ऑप्शन बी NH 8, ऑप्शन सी NH 52, ऑप्शन डी NH 76। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा सही? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए NH 15। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान में है? तो ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, और ऑप्शन डी 55%। जल्दी से बताइए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40%। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी जयपुर। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन डी जयपुर। आखिरी क्वेश्चन, उत्तरलाई वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से बताइए उत्तरलाई वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो प्रश्नोत्तरी होती हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद।